अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेडी के जेआरई और जेवीएम क्या होता है और इनके दरमियान क्या फ़र्क है। जेडी के अंदर जेआरई और जेवीएम होते हैं। जेआरई के अंदर जेवीएम और कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ फाइल्स होती हैं, कंपाइलर वगैरह ये चीज़ें होती हैं। जेवीएम एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है। तो हम इनको वन बाई वन देखते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। JVM जावा वर्चुअल मशीन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स रन टाइम इन्वायरमेंट इन विच अ जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। JVM एक वर्चुअल मशीन होती है, जावा वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर हमारा जावा का प्रोग्राम रन होता है और बाइट कोड के अंदर वो कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद बाइट कोड से वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। JVM आर अवेलेबल फॉर मैनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म। JVM, JRE एंड JDK आर प्लेटफार्म डिपेंडेंट बिकॉज कन्फिग्रेशन ऑफ ईच ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर्स। जावा इज़ अ प्लेटफार्म इंडिपेंडेंट। यहाँ पर एक बात समझने की है कि जावा जो है वो इंडिपेंडेंट है, प्लेटफार्म इंडिपेंडेंट है, जबकि JDK, JRE और JVM ये क्या हैं सारे, ये प्लेटफार्म डिपेंडेंट है। मतलब ये कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट जावा वर्चुअल मशीन्स होंगी हमारे पास। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जावा का कोड जो है वो टू स्टेजेस के ऊपर रन होता है। पहली स्टेज में ये बाइट कोड में जनरेट होता है, JVM के ऊपर बाइट कोड में जनरेट हो गया और वो क्लास फाइल बनती है। उस क्लास फाइल को हम उठाकर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करा सकते हैं। तो इट मींस के जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्चुअल मशीन्स होगी, जावा वर्चुअल मशीन होगी, वो डिफरेंट होंगे। JVM परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ये लोड करता है, वेरीफाई करता है बाइट कोड को, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, मतलब के मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए डाउनलोड्स के फोल्डर में हम JRE डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए JRE डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट है, देखिए लिनक्स के लिए यहाँ पर है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये है, सोलारिस के लिए ये और विंडोज़ के लिए ये। तो इसका मतलब कि जो जावा वर्चुअल मशीन्स हो गई ये प्लेटफार्म डिपेंडेंट होती है, और जो जावा हो गई, जावा लैंग्वेज, वो प्लेटफार्म इंडिपेंडेंट होती है। JVM क्या होती है, जावा वर्चुअल मशीन होती है जो कि एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर हमारा जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये बेसिकली क्या करता है, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM। इट फिज़िकली एग्जिस्ट, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि JRE के अंदर JVM और कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ और फाइल्स के अंदर इसके अंदर भी होती है। JRE हमारे पास, ये जावा वर्चुअल मशीन होगी, सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं, कुछ अदर फाइल्स हैं हमारे पास। तो इट कंटेन सेट ऑफ लाइब्रेरीज अदर फाइल्स दैट JVM यूजेज एट रन टाइम। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावा आर आल्सो एक्टिवली रिलीज्ड बाय अदर कंपनीज बिसाइड सन माइक्रोसिस्टम। तो सन माइक्रोसिस्टम से हट के और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ ने JVM बनाए हुए हैं। JDK जावा डेवलपमेंट किट फिजिकली एग्जिस्ट करता है, और ये JRE और डेवलपमेंट टूल के ऊपर मुश्तमिल होता है। डेवलपमेंट टूल में हमारे पास जावा का कंपाइलर आ जाता है और भी मतलब किसी अंदर काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। JRE और डेवलपमेंट टूल्स JDK इस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ये मतलब एक छोटा सा एक ट्यूटोरियल बनाया था मैंने। एक्चुअली ये सारे अभी बेसिक जो है ना, आपको ये नज़र आ रहे होंगे कि सारी मैं इसमें आपको थ्योरी बता रहा हूँ। थ्योरी जस्ट इसलिए कि अगर आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं, मतलब कि आपका कोई कोर्स है BSc कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या MS IT में, तो आप इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कवर करते जाएँ ताकि आप एग्ज़ाम में भी कुछ ना कुछ लिख सकें।
इसके जब प्रैक्टिकल शुरू होंगे उसमें भी आप देखिएगा कि सारा मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क समझाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।